आगामी सप्ताह से यूनियन बैंक के ग्राहक उठा सकते हैं परेशानी। सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के कारण UBI के सारे काम रहेंगे प्रभावित। सर, ये अपडेट वर्जन को लेकर क्या सूचनाएं मिल रही हैं? सर, अपडेट वर्जन को लेकर सूचना ये है कि सर, हमारा जो ओल्ड सिस्टम था उसमें जो है स्पीड कम था, कस्टमरों को कुछ पॉइंट पर दिक्कत था, सिक्योरिटी पोजीशन कम था, और उस चीज़ को सर इसमें अपग्रेडेड वर्जन में बढ़ाया जा रहा है, जैसे सिक्योरिटी फीचर बढ़ाया जा रहा है, लोगों का फ्रॉड से संबंधित शिकायतें कम होगी, लोगों का काम बहुत जल्दी होगा, और दूसरी बात है जो लोग कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं ट्रांजेक्शन, और ये सब वो सब सुविधा बढ़ाई जा रही है। उसके लिए अलग प्लेटफॉर्म भी लोगों को दिया जा रहा है, जैसे ई बैंकिंग है, ई प्लेटफॉर्म है, हमने कैश डिपॉजिट मशीन लगाया है, लोग वहाँ भी जमा करा सकते हैं। लोगों को कुछ दिन दिक्कत होगी, लेकिन जब ये माइग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी फिनटेन का, तो लोग बहुत ही राहत महसूस करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ नया ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उसमें कुछ दिक्कतें आती है, लेकिन जब वो पूरी तरह परफॉर्म हो जाती है तो उसके बाद उसका लोगों को फ़ायदा मिलता है। जैसे पहले CVS नहीं थी तो लोग दिक्कत, कहीं पैसा जमा निकालने में दिक्कत होती, लेकिन CVS होने के बाद लोगों को ये आसानी होगी, तो वो यही चीज़ का अपग्रेडेड वर्सन है, तो लोगों को और सुविधा प्रदान की जाएगी। अभी कितने दिनों तक यहाँ लोगों को दिक्कत हो सकती है? लगभग सर 10 दिन तक दिक्कत हो सकती है। यूनियन बैंक की कितनी शाखाओं में ये प्रॉब्लम आ रही है? ये सभी जगह ऑल ओवर इंडिया सर, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया जितने हमारे 4600 शाखा है सभी जगह ये होगा, क्योंकि ये सेंट्रलाइज ट्रांसफॉर्मेशन है। सिंगरौली जिले में यूनियन बैंक के कितने खाता धारक हैं जो अभी प्रभावित रहेंगे? सिंगरौली जिले में सर हमारे हिसाब से लग रहा है कि मिनिमम जो है लगभग 8 से 10 लाख जो है खाता धारक प्रभावित होंगे।